लखनऊ का नाम सुनते ही लखनऊ की नवाबी तहजीब, हवेलियां और कोठियां दिमागी पटल पर सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाती है। अवध काल की जिन खूबियों को जैसा सुना या पढ़ा था वैसा ही पाया। आज शहर मुस्लिम काल की अनेकों आलोचनाओं के बाद भी इसके गौरवशाली इतिहास को उसी शान से संजोए हुए है। खास बात है कि आम जन में सांप्रदायिक तल्खी देखने को नहीं मिलती, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये तल्खी बखूबी महसूस की जा सकती है। लखनवी इतिहास और वास्तुकला के ये नायाब नमूने ही है जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। कुछ है जो वक्त की धूल तले दब गए हैं। तो चलिए हम लखनऊ में रूमी दरवाजे के ऐतिहासिक महत्व को आज के राजनीतिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ का रूमी दरवाजा 1784 में अवध के तत्कालीन नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। मुगल, रोमन व तुर्किश शैलियों से मिलता जुलता ये डिजाइन आज अवधी या लखनवी वास्तुकला के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसके मेहराब को सजाने वाली फूलों की कलियों की जटिल नक्काशी से पानी की धार निकलती थी। सबसे ऊपर की अष्टकोणीय छतरी या छतरी के आकार का गुंबद एक विशाल लालटेन से रोशन है। रूमी गेट को पलट कर देखा जाए तो इसे लखनऊ का नौलखा हार भी कहा गया है। अगर आज के संदर्भ में कहा जाए तो इसे तब बनवाया गया था जब उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। सोच ये थी कि आम जन को रोजगार व मजदूरी मिलती रहे। ये वास्तव में उस जमाने की नरेगा स्कीम का नायाब नमूना है। ये आज की राजनीति से बिल्कुल विपरीत सोच थी। अवध की महिमा का वसीयतनामा, 60 फीट ऊंचा रूमी दरवाजा, जन जन को समर्पित एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो आज व कल के शासन की सोच में अंतर स्थापित करती है।